हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अपनी खुद की एक ई बुक पब्लिश करने वाले हैं Kindle.com के ऊपर। तो जब वो बुक पब्लिश हो जाएगी और कोई भी थ्रू आउट द कंप्लीट वर्ल्ड कोई भी अगर उस बुक को खरीदेगा तो आई विल गेट पेड। सो आज की वीडियो का डेमो यही है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो और इस वीडियो में हम जो है चैट जीपीटी का यूज करेंगे। चैट जीपीटी हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो बुक मैं लिखने जा रहा हूँ वो बुक होगी, लेट्स से जो टॉप 25 बुक्स बाय इंडियन ऑथर्स जो हैं उनकी एक समराइज्ड वर्जन में निकालने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले टॉप 25 बुक्स जो है इंडियन ऑथर्स के द्वारा वो मुझे चाहिए। तो मैं इसके लिए भी चैट जीपीटी का यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं पूछूंगा कि गिव मी द लिस्ट ऑफ टॉप 25 बुक्स बाय इंडियन ऑथर्स। तो मैं ये इसे पूछ रहा हूँ और चैट जीपीटी मेरे लिए ये जनरेट कर रहा है टॉप 25 बुक्स की लिस्ट। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी हम हर हर बुक के लिए उसके एक समराइज्ड वर्जन निकालेंगे और उसको अपनी ई बुक में जो है पेस्ट करते जाएंगे। तो और इसके लिए हम गूगल डॉक्स का यूज करेंगे। तो एक बार जब ये लिस्ट पूरी हो जाएगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो हमारे पास चैट जीपीटी से एक टॉप 25 बुक्स की एक लिस्ट आ गई है। तो हम क्या करते हैं कि इस लिस्ट को जो है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कहीं पे नोटबुक नोटपैड में। और जब हम ये उन बुक्स के टाइटल हैं तो हम इन टाइटल की बुक्स का जो है बाद में समरी निकालेंगे। तो इसके लिए मैं नोटपैड पे इनको कॉपी कर लेता हूँ। मैं पहली बुक उठाता हूँ जो कि मेरी पहली बुक थी, ये वाली द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय। तो इस बुक की मैं समरी निकालता हूँ। गिव मी द समरी ऑफ दिस बुक, और मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ और चैट जीपीटी मुझे जो है इस बुक की समरी जनरेट कर रहा है। तो ये जो है इस बुक की जो है समरी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इस समरी को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गूगल डॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देंगे। और यही प्रोसेस जो है मैं बाकी की बुक्स के लिए भी करने वाला हूँ। सो चलिए करते हैं। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे मैंने अपनी बुक्स जो है पूरी कंप्लीट कर ली है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 26 पेजेस की बुक है और समरी ऑफ टॉप 25 बुक्स बाय इंडियन ऑथर्स। सो अब ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है कि हम amazon.com किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के ऊपर जाएंगे, इस URL के ऊपर। और इसके ऊपर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। और उसके बाद एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जस्ट लाइक किसी भी एक वेब पेज के ऊपर आपको अपनी डिटेल डालनी है, आप अपनी डिटेल डालिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी ई बुक की डिटेल डालनी है, ई बुक का कंटेंट डालना है और क्या प्राइसिंग सेट करनी है, वो सारी चीजें करनी है, जो कि एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो मैं अभी ये आपको करके दिखाता हूँ फास्ट फॉरवर्ड मैनर में। और उसके बाद जो है जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे विद इन 48 to 72 आवर्स आपकी बुक जो है पब्लिश हो जाएगी। आपको किंडल की तरफ से और या अमेजोन की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, नाउ यू कैन सी आई हैव सबमिटेड माई ई बुक। आप यहाँ पे देख सकते हैं योर किंडल ई बुक हैज बीन सबमिटेड। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इट कैन टेक अप टू 72 आवर्स फॉर टाइटल टू बी अवेलेबल फॉर परचेज ऑन अमेजोन। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आप सबमिट कर देते हैं तो अमेजोन एक कुछ चेक्स लगा के आपकी बुक्स को वेरीफाई करता है कि राइट कंटेंट है कि नहीं है। एंड फिर जब आपकी बुक अवेलेबल हो जाएगी तो एनीवन कोई भी थ्रू आउट द वर्ल्ड जब आपकी कोई बुक परचेज करेगा यू विल बी पेड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। और ये एक डेमो पर्पज के लिए है। आप अपनी क्रिएटिविटी अपना अपने आइडियाज के थ्रू एक अपनी खुद की ई बुक पब्लिश कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं और आप अपनी जो है
साइड इनकम जो है शुरू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।